अबू आजमी ने यह कहा कि योगी जी के बाप ने आजमगढ़ का नाम नहीं रखा था। मैं तो यह कहता हूँ कि अबू आजमी के नाम बापों ने जो मुगल काल के दौरान आए थे उन लोगों ने नाम का परिवर्तन करके हिंदू समाज की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया। अबू आजमी उस योगी जी के बाप पर गए हैं। योगी जी के बाप यानी उनके पिताजी ने एक ऐसे पुत्र को पैदा किया और इस समाज की सेवा के लिए दिया है धरती को। ये मुगल आक्रांताओं द्वारा जो 500 सालों में देश के तमाम जनपदों का नाम बदल करके इस्लामीकरण करने का प्रयास किया था, 700 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो किसी कहीं का नाम बदल सके। वह हिम्मत दिखाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं, चाहे वो मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम पर, और फैयाज अली का वध करके अयोध्या के नाम पर। तो चंगेज खान और आजम खान या अबू आजमी, इन सब में कोई अंतर नहीं है। इनको अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए, उनको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। उनके पूर्वजों का इतिहास क्या रहा, उनके पूर्वजों का इतिहास, वो हिंदू रहे हैं इसीलिए उनका डीएनए तो गलत आएगा ही। देखिए, हम लोग तो सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय शुरुआत जब किया था तो कभी नुकसान और लाभ की कभी चिंता नहीं किया, लेकिन योगी जी के खिलाफ मर्यादा से हट करके जिस तरीके से उन्होंने एक संत के खिलाफ बयान दिया है, उसके खिलाफ यह बयान बहुत छोटा है।